टीकमगढ़ जिला मुख्यालय के शासकीय प्राथमिक शाला मातोली में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर सत्येंद्र कुमार जैन ने कमीशन के तौर पर महिला स्व सहायता समूह के अध्यक्ष के पति जाहिर सिंह लोधी से 2 बोरी गेहूं की मांग की। शिक्षक टीकमगढ़ जिला मुख्यालय से शासकीय प्राथमिक शाला मातोली तक रोजाना अप डाउन करते हैं। विगत 10 वर्ष से वह महिला स्व सहायता समूह चलाते आ रहे हैं। महिला स्व सहायता समूह के अध्यक्ष पति जाहिर सिंह लोधी वेयर हाउस से गेहूं की 2 बोरी 2 पहिया वाहन से ला रहे थे। तभी एक स्थानीय पत्रकार चंदन उठमालिया को पता चला तो वह उस 2 पहिया वाहन के पीछे कैमरे से उसकी वीडियो बनाते रहे। जब वह जाहिर सिंह लोधी ने उस शिक्षक के आवास पर गेहूं की बोरी रख ही रहे थे, तभी पत्रकार चंदन उठमालिया ने 2 बोरी रखते समय खबर कवरेज करते पत्रकार का कैमरा छीनने लगे, जहां उसका वीडियो रिकॉर्ड हो गया, जिसमें अश्लील गालियां और पत्रकार को डंडा लेकर मारने दौड़ा, जो वीडियो में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। जब मामला टीकमगढ़ कोतवाली पहुंचा, तब तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस PDS खाद्यान्न को लेकर जांच के आदेश दिए और उन्होंने कहा जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। सर, मातौल का एक मामला आया था कि खाद्यान्न की बोरी शिक्षक के घर पाई गई। सर, इसमें आप क्या कार्रवाई करेंगे? आपके द्वारा मुझे अवगत कराया गया है, मैं कल ही इसकी पूरी जांच अपनी टीम बना करके करवा लेता हूँ और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मध्याह्न भोजन का ये अनाज बच्चों का अनाज कहाँ ले जा रहे हैं आप? दो मिनट, बदतमीजी नहीं। आप ये क्या है? कहा था मैंने आदेश है तेरे पास, बोरी इधर से मेरे घर क्या लाया है, मेरे घर पर नहीं मंगाई, थोड़ा बोरी आपने कहीं तो आपने नहीं मंगाई, अरे आपने कहीं तो चलिए साले मार के साले दिखा के लगे ला जा बोरी जाना नक्शेबाजी दिखा रहा है तू मेरा तो मोटर को पढ़े अबे बोरी उठा दे साले साले बोल लगे हम साले सही कर देते हैं ज्यादा नहीं कर विगत 2000 लॉकडाउन मार्च 2020 से माध्यमिक शाला मातौली में मध्याह्न भोजन का वितरण नहीं किया जा रहा है। सूखा राशन सरकार सूखा राशन भेज रही है और समिति द्वारा उठाव किया जा रहा है जानकी महिला स्व सहायता समूह द्वारा, जिसकी शिकायत मैंने मौखिक रूप से जानकी महिला स्व सहायता समूह के अध्यक्ष एवं सचिव से एवं लिखित रूप में रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए कई बार कहा। व्हाट्सएप से भी उनको सूचित किया कि आप मध्याह्न भोजन बांटें। अभी जनवरी 20 तक सूखा राशन की मात्रा आज तक वितरित नहीं की गई, जिसकी मैंने शिकायत BRC को भी की और CAC के माध्यम से कई बार CAC को अवगत कराया गया। बच्चों के अभिभावक मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सूखा राशन बच्चों को नहीं मिल रहा है, लगभग उनका 20-25 किलो एक छात्र का राशन इकट्ठा हो गया है। मार्च 2020 से जनवरी 2022 तक का सूखा राशन बच्चों को वितरित किया जाना है, जिसका मैंने रिकॉर्ड अपडेट करना चाहता। आपके समूह वाले ने अभी हाल कहा है हम लोगों से कि आपने उससे बोरी मांगी, ये पूरी बात गलत है, निराधार है। ना मैंने इससे कभी कोई चीज़ लेने के लिए कहा है ना मांगा है, मैंने सिर्फ बच्चों के हित में इससे बार बार कहा कि बच्चों को स्कूल में से सूखा राशन बंटवाइए। वीडियो तो वो जैसे बना लो आप पटक के हमारे घर में डाल के, वीडियो ये गलत बनाया गया। वीडियो के लिए मैंने वीडियो जो बना रहे थे उनको बना भी किया कि मैंने सूखा राशन मोहल्ले के हमारे जितने भी मोहल्ले वाले देखने वाले हैं उनसे आप पूछ सकते हो, कैमरा लगे हैं चौराहे पर उस पर आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ वीडियो मना कर किया था
कि ये वीडियो मत बनाओ, मैंने इससे मध्याह्न भोजन घर पर नहीं मंगवाया है। छीना झपटी प्रयास किया आपने, छीना झपटी का मैंने, आप क्या कहेंगे? मैंने उसके लिए मैं आपके से पत्रकार लोगों से छीना झपटी मैंने सिर्फ माई कैमरा बंद करने के लिए कहा, मैं उसके लिए आपसे सॉरी चाहता कहता हूँ। और आपने मारपीट भी की? नहीं, मारपीट मैंने उससे कोई मारपीट नहीं की, मैंने सिर्फ हड़काया है उसको, धक्का दे के बाहर किया कि आप अपना मध्याह्न भोजन यहाँ से उठाइए और वापस ले जाइए, स्कूल में होकर बांटिए, मैं अभी परीक्षा ड्यूटी पर हूँ। जबरदस्ती बोरी क्यों रखेगा आदमी? तो जबरदस्ती बोरी तो मैं इसी के लिए तो मैं चिल्लाया था, इसी के लिए मैंने मीडिया को मना किया कि आप वीडियो क्यों बना रहे हो, मेरे घर पर मैंने गेहूँ मंगाया ही नहीं है और ये क्यों रख रहा है मेरे घर पर। मैंने इससे कई बार मीडिया को उससे कहा, इस अध्यक्ष जो सचिव से इसके, आज मैं एक बोरी आपके भतीजे, ये मेरे भतीजे ने अंदर ले ली, मेरे भतीजे ने मुझसे, मैं वहीं लेटा था अंदर और उसने मुझसे कहा कि चाचा आपका कुछ सामान आया है। मैंने कहा मैंने तो कोई सामान मंगाया ही नहीं, मैंने कि ऑनलाइन सामान आया होगा। मैंने बाहर आके देखा कि बोरी जहाज सिंह लोधी। क्या हुआ आपके साथ? जो हुआ कहकर दो तीन चार दिन के भी हमसे लगे गले। कौन? जैन साहब। कौन है जी? सतन वे पता के सी एस वे हैं, हेड मास्टर हैं। कौन से स्कूल के? मातौली के, माधवशाला मातौली के। क्या नाम उनका पूरा? सत्येंद्र जैन। हाँ तो क्या हुआ था? उनने हमसे पीसी मांग रहा था, सामने की पीसी कितना हुआ साहब होते हुए उमे को कसी जैसे बचाते हैं लैक अबड़ी से मांग रहे थे, लैक अबड़ियन के खाना में से माध्यान्ह भोजन में से सुकल लेके उमे अब स्कूल चला था। सो आधो बटने हैं तो आधो तुमने माने जित तो खुबका उतो सुतो जित बचत है सुबह हमें चाहिए। समझ की पहले कल बाँट बाँटना बाँटना का छू निकल ले हमें चाहिए जी कल लगे आओ। सो फिर हमने कि हम नहीं दे पाएंगे, हमने जो कही फिर भी कल ले के तो आओ सब हो जाए और कल ले हमें दो बोरी तो चाहिए सुबह। फिर हम वो घर से ले करके आए थे सुबह से, उतरे हमने उतर बोरी उतारी सुबह से हमने की जी उन्हीं के घर के उतरे जैन साहब के उतरे। सो बस उनको मोड़ा गया, मैंने कि बस हमने कही सुबह बोई सो उठवाऊँ लगे, सो उन्होंने बोई उठवाई एक भीतर रख ली। फिर इसके बाद पत्रकार बंधु वहाँ पर आ गए सुबह से, कर लीजिए बोई कैसी का सो हमने फिर सही में सही बता दी कि हमें ऐसी ऐसी ये बोई करते के दो बोई हमें दे दो सो हम इसलिए हमने दो बोई हमने होती उतार नहीं। सो फिर हमने गेहूँ की बोई जी और फिर वे मारपीट करने लगे हमारे साथ में होते पत्रकार बंधु हैं वहीं पर सब उसमें उनके पास वीडियो भी होगा। आपके साथ मारपीट भी हुई? जी जी। किसने मारा? सत्येंद्र जैन ने। आपका नाम क्या है? जहाज सिंह लोधी। तो आप उस स्कूल में मध्याह्न भोजन का काम करते? जी साहब। समूह है आप? जी साहब। कौन से स्कूल? क्या है उसका नाम? समूह को जानकी महिला स्व सहायता समूह मातौली। और कौन से स्कूल में पदस्थ हैं? और जे वही स्कूल में है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।